والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. ये बयान चल रहा है सफों को मुकम्मल करने के बयान में, नमाज में सफ़ें किस तरह बनानी चाहिए और उसकी ताकीद क्या है, और उसमें अगर कोताही हो जाए तो उसके अंदर जो उसके ऊपर वईद क्या है। तो ये रिवायत है हज़रत अनस से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतिमु सफ़ल मुक़द्दम, लोगो अगली सफ़ मुकम्मल कर लो। मल्लज़ी यलीह, फिर उसके बाद जो उसके साथ मुत्तसिल है उसको मुकम्मल कर लो। फमा काना मिन नक्सिन, और जो कुछ कमी रह जाए फलयकुन फिस सफ़िल मुअख्खर, वह कमी आखिर की सफ में होनी चाहिए। सफ़े मुकम्मल करनी है, मस्जिद के अंदर अगर सफ में 50 आदमी की गुंजाइश है, ये नहीं कि बस 45 आदमी खड़े हो गए, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, दूसरी सफ खड़ी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सफ़ें मुकम्मल होनी चाहिए और जो अधूरी सफ रहे वो आखिर वाली सफ होनी चाहिए अगर उसमें पूरे नमाजी नहीं है। इस रिवायत का मतलब तो बिल्कुल वाज़े है, सफ़ें पूरी करनी चाहिए। وعن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يسلو بها صفا. رواه أبو داود. حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे बेशक अल्लाह तबारक ताला और उसके फरिश्ते उन लोगों पर रहमत भेजते हैं जो पहली सफ़ों के करीब होते हैं। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला को वो कदम बहुत पसंद है जो आदमी उठाता है सफ़ को मुकम्मल करने के लिए। तो इसमें दो चीज़ों का बयान है, एक तो ये है कि जो लोग पहले सफ़ों के करीब रहते हैं, इन्हें पहले सफ़ों में अपनी जगह पकड़ लेते हैं, तो उन पर अल्लाह ताला भी रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते भी। फरिश्तों के रहमत नाजिल करने का मतलब ये है कि वो रहमत की दुआ करते हैं। और इसमें ख़ास एक और चीज़ यह है कि जो शख्स कदम उठाता है सफ़ों को पूरा करने के लिए, ये कदम उठाना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हिकमत ज़रूर है और उम्मत के लिए नफ़ा है। ये फरमाया जो कदम उठाएगा सफ़ों को पूरा करने के लिए वो कदम अल्लाह ताला को पसंद है। आपने भी देखा होगा सर्दी के मौसम में धूप अच्छी लगती है तो मस्जिद के सहनों में लोग बैठे रहते हैं, बयानात होते रहते हैं, अंदर आते ही नहीं, और उनके कहा जाता है भाई अंदर जगह खाली है अंदर आ जाओ, वो महज धूप की वजह से वहीं बैठे रहते अंदर नहीं आते। सर्दियों में तो हमाम में लोग बैठे रहते हैं, मस्जिद अंदर खाली है, जगह बहुत है, और जानबूझ कर वहीं बैठेंगे, अरे मस्जिद भर जाएगी यहीं अल्लाह अकबर कर लेंगे हमाम में ही जब मस्जिद भर जाएगी। ऐसे गर्मी के मौसम में लोग उन जगहों पर बैठते हैं जहाँ देखते हैं कि एसी है और यहाँ पंखा चल रहा है, यानी अगर अगली सफ़ों में उसका इंतज़ाम ज़्यादा नहीं है
वो ख़राब हो गया है पंखा वगैरह, तो अगले सफ़ों के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, बस वहीं रहते हैं जहां आदमी को आराम मिले। तो सर्दियों में भी आदमी अपना आराम ढूंढता है और गर्मियों में भी अपना आराम तलाश कर लेता है, और जिसको वापस जाने की जल्दी फिक्र हो वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो पीछे ही बैठेगा, ताकि जो सलाम फेर लेंगे तो मौका मिल जाएगा जल्दी निकलने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुमकिन है और भी नई नई चीज़ें सामने निकल आए। तो आपने फरमाया कि जो आदमी कदम उठाता है अगली सफ को बराबर करने के लिए, ये कदम अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। तो जब ये कदम अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, तो जो आदमी कदम उठाएगा वो भी तो महबूब बनेगा। इसलिए मालूम ये हुआ कि मामूली नफा के खातिर कि भाई गर्मी है और या सर्दी है, उसकी वजह से इतने सवाब को जाया नहीं करना चाहिए। ये भी सफों के मुतल्लिक है। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت رسول الله صلى الله قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود। حضرت عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں उन लोगों पर जो सफ़ों के दाहिनी तरफ होते हैं। सफ़ों के इससे पहले तो ये आया था कि जो पहली सफ में उन पर रहमत नाजिल होती है, अब यहाँ एक लफ्ज़ का इजाफा है कि दाहिनी तरफ जो सफ़ होती है। इसका मतलब तो यही कि कोशिश करे आदमी दाहिनी तरफ जगह मिल जाए, लेकिन अगर सारे लोग दाहिनी तरफ को बैठेंगे इसका मतलब बाईं तरफ कोई जाएगा ही नहीं, और रिवायत शायद पहले आ गई या मुमकिन है आगे आ जाए। कि अगर आदमी कम है, सब खाली है, इमाम के पीछे 5-10 आदमी कुल हैं, बाकी पूरी सब खाली है, तो जो नमाज में शामिल होने के लिए आए उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अंदाज़ा लगाए कि लोग दाईं तरफ को ज़्यादा हैं या बाईं तरफ को ज़्यादा हैं। अगर दाईं तरफ को लोग ज़्यादा हैं तो उसको बाईं तरफ जाना चाहिए, उस वक्त उसको उसका अजर मिलेगा, उसने एक हुक्म पूरा करने के लिए जो है वो बाईं तरफ को चला गया। और अगर बाईं तरफ ज़्यादा है तो दाएं तरफ को आ जाए, एक अंदाज़ा लगाए ताकि उसकी जो बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। वान नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक रिवायत में तो ये भी है, इन्ना अल्लाह यंज़िलु रहमत अव्वलन अला यमीनिल इमाम। अल्लाह तबारक ताला नमाज के वक्त जो रहमत खासा खसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं नमाजियों पर, तो सबसे पहले इमाम के दाएं तरफ वालों को, फिर उसके बाद बाएं तरफ को वालों को, इलल आखिरी यमीन दाएं तरफ के आखिर तक, और हमारा सुम आला यसार इला आखिरी फिर बाएं तरफ। ये रहमत तो उनको भी मिलती है, रहमत तो इनको भी मिलती है, अलबत्ता दाएं वालों को पहले दे देते हैं। तो बहरहाल इसका यह है कि पहले सब इसकी भी फजीलत है, और अगर इमाम के दाएं तरफ आदमी को मौका मिले तो उसकी मजीद फजीलत है। और हजरत नुमान इब्न बशीर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलाति फइज़ा इस्तवैना कब्बरा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे जब हम नमाज के लिए खड़े होते थे, और जब हम मुकम्मल खड़े हो जाते थे तब तकबीर तहरीमा पढ़ते थे, नियत मानते थे। इससे मालूम हुआ कि इमाम की जिम्मेदारी यह है कि वह सफ़ों की दुरुस्तगी का अहतमाम करे, जब तक सफ़ें मुकम्मल न हों तो नमाज शुरू न करे। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पहले सब ठीक है तो इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अभी सफ़ें ही पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए कि लोगों को उठने का भी वह अहतमाम नहीं है, कोई अब उठ रहा है, कोई अब कांगड़ी उधर रख रहा है, और बस इसी इंतज़ार में है, तो सफ़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को पूरा दुरुस्त फरमाते थे, और फिर जो है वो नज़र दौड़ाते थे, जब देखे कि सफ़ें पूरी हो गई तो फिर अल्लाह अकबर करते थे। वही इमाम की जिम्मेदारी है वो जल्दी से नमाज शुरू न करे। शायद इससे पहले आया था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में मुस्तकिल आदमी इसके लिए मुकर्रर कर रखे थे, कोई 5वीं सफ़ में, कोई 6ठी सफ़ में, वो इतला देते थे हज़रत सफ़ें बराबर हो गई,
तब जाके अल्लाह अकबर करते थे। मतलब तो ये कि जब नमाज शुरू हो गई, अब नमाजियों को भी वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई अब आ रहा है और खांस रहा है और क्या कर रहा है और जगह तलाश कर रहा है, ऐसा नहीं। पहले से सब लोग जो है वो सफे मुकम्मल बना ले। وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عن يمينه اعتدلوا سووا صفوفكم وعن يساره اعتدلوا سووا صفوفكم رواه ابو داود। ये हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई जानिब अपना चेहरे मुबारक फेरते थे और यूं फरमाते थे, اعتدلوا صفوفكم, लोगो सफ़े बराबर कर लो और जो है वो दुरुस्त कर लो, सफे बराबर रहो, फिर बाईं तरफ को भी अपना चेहरे मुबारक फेरते थे, दाईं तरफ से ताकि दूर तक आवाज जाए और बाईं तरफ ताकि वहां तक में आवाज जाए। तो वह इस रिवायत में भी सफों की दुरुस्तगी का बयान है। तो एक रिवायत है आप तीन मरतबा फरमाते थे, कितनी जी वो रिवायत आगे आएगी। तीन मरतबा फरमाते इस्तवू इस्तवू इस्तवू। وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة। فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے اور بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ نماز میں اپنے کندھوں کو ہم نرم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو ایک یہ ہے اگر کوئی دوسرا شخص کسی شخص کو اشارہ کرے भाई थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा सा जरा आगे आ जाओ, ये तो उसको नागवार नहीं होना चाहिए, वो अकड़ कर ना रहे कि नहीं साहब बस मैं जहाँ हूँ तो वहाँ हूँ, मैं टलने का नहीं, बल्कि कंधों को नरम रखना चाहिए। जो ही किसी साथी ने इशारा कर दिया फौरन बात माननी चाहिए, इसलिए कि ये तो शरीयत का हुक्म है, उसका कोई जाती नफा थोड़ा ही है। तो लिहाजा कंधों को नरम रखने का मतलब तो ये है कि उस वक्त जिद और तकबर यह रवैया इख्तियार न करें बल्कि नरम बन जाए। छोटा आदमी भी किसी को कहे कि ब्रॉड पार कैसे हो, तो उस वक्त माननी चाहिए बात। एक मतलब तो इसका ये है कंधों को नरम रखने का। दूसरा मतलब तो ये है कि कभी कभी सप में इतनी जगह होती है उसमें पूरा आदमी तो नहीं आएगा, पूरा आदमी तो आने के लिए एक आदमी उसमें आने की कोशिश करता है, तो साथी लोग जो है थोड़ा अपने कंधों को नरम कर लें, जरा जरा सा हल्का हल्का सदरा उनके लिए जगह दे दें ताकि वो जो खाली जगह है वो पूर भी हो जाए और उसके लिए जगह भी मिल जाए। तो ये भी एक मतलब है कंधों को रखना। तीसरा मतलब तो ये है कि जब आदमी नमाज में खड़ा हो जाए तो सीना तान कर अकड़ कर जैसे बस, ऐसा नहीं, बहुत ही आजजी और निस्ती के साथ जो है वो उसकी निगाहें नीची होनी चाहिए, तो गोया कि उसके अंदाज से लगे कि ये खुशु खुजु इसके अंदर है, खुशु खुजु और आजजी और इनकिसारी और निस्ती और दिल जमी इसके साथ है, तो इस तरह से खड़ा हो जाए। तो इसके दो तीन मतलब ही हैं। तो वो रिवायत ये है जिसमें आपने तीन मतलब फरमाया था। हजरत अनस फरमाते हैं रضي الله تعالى عنه कान النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول استووا 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 فوالذي نفسي بيده اني لا اراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي رواه ابو داود। हजरत अनस फरमाते हैं رسول الله صلى الله عليه وسلم तीन मतलब फरमाते थे, सफों को दुरुस्त कर लो, सफ़ों को दुरुस्त कर लो, सफ़ों को दुरुस्त कर लो, कसम उसकी उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक मैं तुमको अपनी पुश्त से भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं सामने को देखता हूँ। ये फरमाया, मतलब तो यह है कि तुम्हारा आपका रुकू और ये सजदा ये मुझसे छुपा हुआ नहीं है, मैं देख लेता हूँ, इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए। या ये है कि मुमकिन है सब में कोई कोताही रहती हो, तो इसलिए आप फरमाते थे कि सफ़ों के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ तीन मरतबा क्यों? बाद लोगों ने फरमाया कि इसका मतलब तो ये है, एक तो आपने नज़र दौड़ाई चेहरे मुबारक सब की तरफ किया तो दूर तक फरमाया भाई सफ़े सीधी कर लो, दुरुस्त कर लो, क्योंकि मस्जिद बड़ी थी, फिर दाई तरफ को फरमाया भाई सफ़े दुरुस्त कर लो, फिर तीसरी मरतबा जो है बाई तरफ को देगा और सफ़े दुरुस्त कर लो, ये ताकीद के लिए बार बार आप फरमाते थे। और फिर कसम खाकर आपने फरमाया कि आप की नमाज आपका रुकू और सजदा और क़याम और सफ़ों की दुरुस्तगी ये मुझसे ये छुपता नहीं है,
ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी सुनो सामने को देख रहे हैं तो पीछे का क्या खबर है। आपने फरमाया नमाज में खसूसियत है, मैं नमाज के अंदर पीछे भी देख लेता हूँ। किस तरह देख लेते हमें मालूम, आमन्ना सदकना, जैसे कि तो मौजज़ा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहाँ नबी उमामा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني قال وعلى الثاني। ये रिवायत लंबी है। हजरत उमामा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह तबारक ताला और उसके फरिश्ते रहमत नाजिल फरमाते हैं पहली सफ पर। किस पर? सहाबा किराम ने अर्ज किया हजरत दूसरे सफ वालों के लिए भी तो हो, यानी आप दुआ फरमा दीजिए ताकि दूसरे सफ वाले भी इस रहमत में शामिल हो जाए। आपने फरमाया बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते रहमत नाजिल फरमाते हैं पहली सफ वालों पर। उन्होंने फिर अर्ज किया हजरत दूसरे सफ वालों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। आपने फरमाया बेशक अल्लाह तबारक ताला और उसके फरिश्ते रहमत नाजिल फरमाते हैं पहले सफ वालों पर। अब हजरत दूसरे सफ वालों के लिए भी आप दुआ फरमा दीजिए। तो तीन मरतबा आपने, पहली मरतबा आपने इतला दे दी, फिर दूसरी मरतबा उन्होंने अर्ज किया तो उस फिर भी सफे अव्वल, फिर भी सफे अव्वल, तो बार बार आप सफे अव्वल सफे अव्वल। जब देखा कि वो भी तो पीछे हटने वाले नहीं है कि वो कहते हैं हजरत दूसरे सफ वालों के लिए, इसलिए कि हमेशा तो हर शख्स पहले सफ में तो आएगा नहीं, किसी वक्त तो पहले सफ मिल जाती है, किसी वक्त पहले सफ पूर हो गई हो तो दूसरे सफ में, तो दूसरे सफ की हमें वो भी मिलनी चाहिए रहमत। इसलिए आपने फरमाया वाला सानी, चलो ठीक है दूसरे सफ वालों पर भी। असल में मकसद तो ये था, तरगीब देनी मकसद थी कि पहले सफ में ही होना चाहिए। अब वो साहबी दूसरी सफ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी ये नफा हो, तो आप तरगीब देना चाहते हैं पहले सब। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने मीना के अंदर जो है खुद आपने हलक फरमाया, उस तरह से आपने अपने सर मुबारक के बाल मुबारक साफ फरमाए, इसको हलक कहते हैं क्या? और हलक करने वाले को मुहल्लिकीन। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन, या अल्लाह हलक करने वालों पर रहम फरमा। अब उसमें कुछ हजरात ऐसे थे जिन्होंने उस तरह से तो बाल साफ नहीं किए थे, अलबत्ता कैंची से उन्होंने उनको कतरा था, उसको कसर कहते हैं, तो कसर करने वाले को मुकसर कहते हैं। तो आपने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन, या अल्लाह हलक करने वालों पर रहम फरमा। तो हलक करने वाले तो आमीन कहेंगे और क्या कहेंगे, मुकसरीन ने कहा वाल मुकसरीन, हजरत हमारा भी तो नाम लगा लीजिए कि ये फरमा दीजिए या अल्लाह जिन्होंने बाल तराशे उन पर भी रहम फरमा। तो ये उन्होंने दरखास्त की बाल तराशने वालों ने, आपने फरमा अल्लाह अरहमिल मुहल्लिकीन, या अल्लाह जिन्होंने बाल मोंड लिए उस तरह से साहब उन पर रहम फरमा। वो कहते हजरत वाल मुकसरीन, वाल मुकसरीन, यानी हजरत हमारे लिए भी दुआ फरमा दीजिए। तीन मरतबा उन्होंने दरख्वास्त की वल मुकसरीन वल मुकसरीन, तीन मरतबा। जब देखा कि ये तो मानने वाले हैं नहीं, चौथी मरतबा फरमा वल मुकसरीन वल, चलो ठीक है मुकसरीन पर भी। असल तो तीन मरतबा आपने फरमाया, गोया इसमें तरगीब है। जब आदमी हज करे हाँ तो उसको चाहिए कि बाल मोड़ ले। अब ये क्यों फरमाया? बहुत सारे लोग हैं वो बाल मोड़ते ही नहीं, उनको इतने बालों से प्यार होता है, अरे हम तो कैसे लगेंगे, हमने जिंदगी में कभी बाल बनाए नहीं, बाल मोड़े नहीं, बस ऐसे ऐसे कैंची से यूं करेंगे। तो आपने जब ये दुआएं दे दी तो अल्लाह वाले इसमें क्या मकसद था? तो तीन मरतबा आपने उसका, हालांकि कुरान पाक में दोनों का तस्करा है, बाल मोड़ने वालों का तस्करा भी है और बाल काटने वालों का भी तस्करा है। लकद सदकल्लाहु रसूलहु रुजा बिल हक लतदखुलुन अल मस्जिद अल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन उसमे मुकसरीन। ये ख्वाब देखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा हैं और उमरा कर रहे हैं और मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं, तो बाज लोगों ने हलक किया है, बाज लोगों ने कसर किया है, इजाजत अगर दोनों चीजों की है लेकिन अफजल क्या है? जी तो हमारे मौलाना अबरार साहब रहमा फरमाते थे आदमी चाहता है कि मेरी हर चीज बढ़िया हो, क्या हो? बढ़िया हो। गाड़ी लानी है तो मैं वो एसी वाली लाना, और जिसके शीशे खुद चढ़ जाते हैं बटन पर वो वाली लाना। तो जब आदमी चाहता है कि मेरी दुकान भी बढ़िया हो,
मेरी घड़ी भी बढ़िया हो हर चीज, तो ये होना चाहिए कि हमारी इबादत भी क्या होनी चाहिए, बढ़िया दर्जे की होनी चाहिए। तो फिर आपने फरमाया सऊ सुफूफकुम व हाजू बैन मनाकिबिकुम, ये रिवायत पहले भी आ गई कि अपने गर्दनों को बराबर करो, गर्दनों को कंधों को मिलाओ, और वलीनु फी आईदी इख्वानिकुम, अपने भाइयों के हाथों में नरम रहो, और वसुद्दुल खलल, खाली जगहों को पुर करो। क्यों? फइन्न शैतान यदखुलु फीमा बैनकुम बिमंजिलतिल हजफ यानी औलाद दानि सिगार। फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि शैतान इस इन खाली जगहों में घुसता है जैसे जैसे उसका भेड़ का बच्चा, एक रिवायत में तो बकरी का बच्चा है, इस रिवायत में तो भेड़ का बच्चा है। बड़ा खुलासा यह है कि भेड़ हो या बकरी हो, दोनों यानी उनके बच्चों की तरह वो उसमें घुस जाता है, तो अब उसके लिए जगह नहीं रहनी चाहिए कुछ भी। और एक रिवायत बहुत लंबी है, वो यही रिवायत है कि सफों को बराबर करो, खाली जगहों को पुर करो, अपने कंधों को नरम रखो, अपने भाइयों के लिए नरम हो जाओ, और वला तजिर फुरुजात, फुरुजात शैतान, शैतान के लिए जगह मत छोड़ो। आगे फरमाया वमन वसल सफन वसलहुल्लाह, जो सफ को जोड़े अल्लाह ताला उसको अपने साथ जोड़ेगा, वमन कताहु कताहुल्लाह, जो सफ को तोड़े अल्लाह ताला उसको अपने से जुदा करेगा। तोड़ने का मतलब है कि बिला वजह जगह रख दी, ना आगे बढ़ता है ना कुछ करता है, तो दरमियान में जगह ऐसी रही, आगे नहीं बढ़ता है, बस ऐसे ही रहता है। ये ज्यादा हरम में देखने में आता है, जरा सी धूप होती है तो वो मताफ सारा खाली रहता है, कुछ अफराद वहां होते हैं, बाकी कोई नहीं, बाकी वही वहां वो बैठे हैं, वहां बैठे ये बैठे हैं, ऐसे ही जरा गर्मी है तो बस एसी के करीब में जाएंगे, दरमियान में इतनी जगह खाली रहती हैं, अंदर हरम खाली रहता है और वो बाहर जो है वो रास्तों पर भीड़ होती है। मस्जिद नबवी में भी ऐसा ही होता है, अंदर जाएगा अरे भीड़ इतनी है कहाँ जाएंगे, वो लोग बस जाके वहीं बैठ गए, आगे बढ़ते नहीं। आगे जब आदमी बढ़ जाता है तो देखता है कि ओ आगे तो हरम खाली है, तो वहां पता चलता है इन रिवायतों का आपने इतनी तरगीब क्यों दे दी। रास्ते में नमाज शुरू कर देंगे, रास्ते में अरे अल्लाह के बंदे सारा हरम तो अंदर खाली है, आप अंदर क्यों नहीं जाते, जाओ अंदर, 2 मिनट का मसला है, 3 मिनट का मसला है, आप चल चलो, हाँ तो फजीलत भी मिलेगी, मस्जिद भी भर जाएगी, नहीं बस वहीं पीछे बैठेंगे, वहीं पीछे बैठेंगे, वहीं नमाज पढ़ ली और जल्दी से वहीं से भाग गए। तो ये रिवायतें खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए हैं जो धूप की वजह से और दूसरी चीजों की खातिर आगे नहीं बढ़ते हैं। वहां नबी हुरैरा रضي अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توسط الإمام وسد الخلل رواه ابو داود। इस रिवायत का मतलब ये है, आपने फरमाया इमाम को दरमियान में रखो, इमाम को, और खाली जगह पुर करो। इमाम को दरमियान में रखने का मतलब यही है कि जितने अफराद होंगे वो बराबर होने चाहिए, तराजू की तरह इमाम बिल्कुल दरमियान में हो। इससे एक और मसला हल हुआ कि नीचे वाली मस्जिद में तो यहाँ वो है मेहराब, ठीक है, तो हयाल सलाह या हयाल फलाह में हमाम होता है, बाज जगह तो मगरिब की मशरक की तरफ, यहाँ तो मशरक में है तो मसला ही नहीं, लेकिन बाज मस्जिदें ऐसी होती हैं या तो हयाल फलाह की जानिब हमाम है या तो हयाल, तो ठीक है हमाम तो अलग है दीवार बंदी, लेकिन ऊपर वाली जो मंजिल बनाई है ना वो तो उन्होंने मुकम्मल बनाई वहां से यहाँ तक, लेकिन मेहराब बिल्कुल इसी के ऊपर में है, बराबर में है, वहां जब नमाज पढ़ते हैं ना, बाज मरतबा सर्दियों में गर्मियों में ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहां नमाज पढ़ते हैं, वहां देखा कि एक तरफ को तो तकरीबन 40 आदमी सब में, दूसरी तरफ को देखा तो वहां तो 30 ही है, वो मुस्तकिल मेहराब बना हुआ है, तो उसमें ये हुक्म है कि भाई नीचे वाली मस्जिद का मेहराब अलग होगा और ऊपर वाले हिस्से का मेहराब अलग होना चाहिए। ऊपर वाले हिस्से में मेहराब अलग इसलिए बनाना है ताकि कोई बैलेंस रहे बरकरार, कि इमाम के दाईं तरफ जितने भी हैं उतने इमाम के बाईं तरफ होने चाहिए। एक तो है इत्तिफाकन जैसे पार्क बनी हुई है कहीं मस्जिद के हयाल फला में पार्क बनी हुई है, तो पार्क तो अलग है, मस्जिद तो भर गई, अब लोग पार्क में नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें वो कोई कराहत नहीं है, इसलिए कि वो मस्जिद में है ही नहीं, वो मस्जिद में, और वो इत्तिफाकन है
इत्तेबातन जुमे के दिन जो है वो पब्लिक ज्यादा आ जाती है तो उसमें, लेकिन मस्जिद जब बनाई जाएगी दूसरी मंजिल तो उसमें मेहराब का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने खुद फरमाया इमाम को क्या रखो, मिडल में रखो, दरमियान में रखो। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار رواه أبو داود। इस रिवायत में बहुत ही वईद है। वईद क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका رضي الله تعالى عنها फरमाती हैं, फरमाया رسول الله صلى الله عليه وسلم ने एक कौम जानबूझकर पहली सब से पीछे रहेगी, क्या रहेगी, मतलब ये कोई खास एहतमाम नहीं, पीछे रहेंगे। फरमाया कि यहाँ तक अल्लाह तबारक ताला उनको पीछे रख के दोजख में डालेगा। अब सवाल ये कौन सी कौम है? हजरत फरमाते हैं ये तो आपने मुनाफिकों के बारे में बताया कि मुनाफिकीन जो है वो अगली सफों में आते ही नहीं थे, इसलिए उनको तो नमाज पढ़नी नहीं थी, तो सिर्फ दिखाना था कि हम हाजिर हैं हम, इसलिए पहले से पानी की क्या जरूरत है, और पीछे बैठेंगे तो वही सलाम फेर के निकल जाएंगे फट से, कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी हाजिरी भी लग जाए और ज्यादा देर मस्जिद में बैठे भी नहीं। और आपने उसीलिए इसी फरमाया अल मोमिनु फिल मस्जिद, अल मोमिनु कसम की फिल मा, मोमिन जब मस्जिद में आता है इसको ऐसा सुकून और इत्मीनान मिलता है जैसे मछली को पानी में आप डाल देंगे, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। आपने वल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस, और मुनाफिक जब मस्जिद में आता है उसकी कैफियत ऐसी होती है जैसे किसी परिंदे को आपने पिंजरे में बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है पिंजरे को, पिंजरे के अंदर बंद करेंगे परिंदे को तो उसको सुकून मिलेगा, वो तो चाहेगा किसी तरह से दरवाजा खुले और मैं उड़ जाऊं। तो आपने ये फरमाया कि मुनाफिकीन पीछे आते हैं और जल्दी से निमटा के भागना शुरू कर देते हैं, उनको उलझनों परेशानी होती है, तो इसलिए आपने फरमाया ये कौम पीछे रहती है, क्या फरमाते यहाँ तक कि अल्लाह ने भी उनको पीछे ही कर दिया और धकेल दिया दोजख में। मतलब तो ये है कि चूंकि ये पीछे ही रहे इसलिए आगे बढ़ेंगे नहीं, और जो ये पीछे रहते 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 बिल्कुल पीछे रह के दोजख में पहुंच जाएंगे, एक मतलब तो ये। दूसरी मतलब तो, दूसरा मतलब तो ये है जिस आदमी को एहतमाम न हो सफ़े उला का, तकबीर उला का, नमाजों का, वो तो बस कोताहियाँ करता रहता है, कभी रकअत छूट गई, कभी नमाज ही निकल गई, कभी फिर नमाज कज़ा भी हो गई, तो इन नमाजों का कजा करना, इसका आदि बन जाना, 8:30 बजे नींद से बेदार हो जाना, फरमाइए दोजख में जाने का सबब बनेगा इसके लिए। तो इसमें भी गोया कि फजीलत है इस चीज़ की कि आदमी को अगले वाले सफ़ों में पहुंचना चाहिए। वन वाबिस इब्नि माबद, वन वाबिस साबित इब्नि माबद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وأبو داود। ये वाबी साहिब ने माबद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स अकेला नमाज पढ़ता है सब के पीछे, आपने उससे फरमाया नमाज लौटा लो, नमाज दोबारा पढ़ लो। सवाल है कि क्या उसकी नमाज ही नहीं हुई जो आपने उसको फरमाया नमाज लौटा लो? फरमाते हैं ये वईद उस वक़्त है और ये तंबीह है जब अगले सफ में जगह हो और आदमी जो है वो वहाँ कहाँ जाएंगे भाई, यहीं पढ़ लेंगे, अब वहाँ जाएंगे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा इतने कदम, इसलिए गनीमत है यहीं भी नमाज पढ़ लें। तो अगले सफ में चूंकि जगह थी दाईं तरफ को या बाईं तरफ को, उसे नमाज लगा पढ़ ली वहाँ, आपने फरमाया नमाज लौटा लो नमाज, तो अकेले नमाज पढ़ लेगा तो मकरूह हो जाएगी, इसलिए हुक्म है कि किसी को इशारा करके वो पीछे आ जाए तो नमाज पढ़ ले, अगर वो नहीं आया तो फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी, ज़बरदस्ती किसी को निकालना नहीं है जिसको मसला भी मालूम ना हो। अधिक रिवायत आगे आएगी उसमें यह है, वो अगले बाब में है, वो ये है कि एक सहाबी है अबू बकरा रज़ियल्लाहु, एक है अबू बकर एक है अबू बकरा, वो अलग है ये अलग है, अरे अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मस्जिद में दाखिल हो गए और उस वक्त उस नबी करीम सब सफ में थे, किस में या उसमें रुकू में थे, आप रुकू में थे, उसने जब देखा कि हजरत तो रुकू में है, सारे लोग रुकू में है, अब उसने सोचा कि जब तक मैं वहाँ से चल के आ जाऊँगा और मैं सफ में मिलूंगा तब तक तो ये सिमिल्ला लिमन हमीदा कर लेंगे, तो मेरी तो रकात छूट जाएगी, इसलिए वो मस्जिद में दाखिल हो और अल्लाह अकबर करके वहीं रुकू किया, वहीं
और फिर रुकू में ही ऐसे दो तीन कदम चल के आ गया, तो फिर आके मिला सब में। तो नमाज खत्म करने के बाद आपने अर्ज किया, हजरत मैंने ऐसा किया। आपने फरमाया ठीक है, अल्लाह ताला आपके शौक को और बढ़ा दे, लेकिन आइंदा ऐसा ना करना, आइंदा ऐसा जो तुमने किया। मतलब तो ये है कि जो तुमने सबसे पहले ही नियत बांधी ये ठीक नहीं है, बल्कि पहले सब में पहुंचना है, सब में पहुंचने के बाद फिर नियत बांधनी चाहिए, फिर नमाज शुरू करनी चाहिए। दूसरा मतलब तो ये है कि नमाज में आप चले, आइंदा ना चलना, आइंदा इसका एहतियात रखना। वो मसला आगे आएगा कि नमाज में दो कदम चल सकता है, कितने, एक कदम चला रुक गया, फिर एक कदम चला रुक गया, फिर एक कदम, तीन तक, तीन से ज्यादा या तीन अगर मुसलसल चलेगा तब भी नमाज फासिल हो जाएगी। उसका मतलब क्या है, नमाज में चलेगा क्यों? आपने नमाज शुरू कर लिया, अल्लाह अकबर, सामने देखा जगह खाली हो गई, जगह ये ज्यादा होता है वहां हरम में, बहुत होता है। हज के दिनों में तो भीड़ भाड़ा होती है, लेकिन जब जरा कम हो जाते हैं तो मस्जिद नबी में क्या होता है, लोग फैले हुए हैं, और चूंकि वहां इकामत भी मुख्तसर होती है, क्योंकि वो अकेली अकेली इकामत पढ़ लेते हैं, जल्दी खत्म हो गई, अब लोग नमाज के लिए खड़े हो गए, अब जा रहे हैं। देखा कि जब वो नमाज सफों में लगे तो बीच में तो चार चार सफे खाली हैं, पांच पांच सफे खाली हैं, अब करेंगे क्या, पहले तो जगह ही नहीं है। जब पहले आदमी बैठे, देखा कि ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं बेतरतीब, तो अब जब जमात खड़ी हो गई, अगर चलना चाहें चलना चाहें तो वो तो अरब शरीफ भी खत्म कर लेगा, रुक तब जाके आदमी पहुंच के पहुंचेगा, तो जगह बहुत खाली रहती है, बीच में दो दो सफे, तीन तीन सफे, चार चार सफे खाली रहते हैं। तो इसलिए इन तमाम चीजों को, इनका इलाज फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهري فعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن متفق عليه یہ روایت متفق علیہ بخاری ومسلم دونوں میں ہے یہ حضرت عبداللہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عباس کے بیٹے یہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنی خالہ کے یہاں گیا سگی خالہ تھی اور خالہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور میں رات پر وہیں رہا وہ خالہ کون تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہیں زوج محترمہ رسول پاک سن کے ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ ہیں حضرت عباس چھوٹے تھے نابالغ تھے تو اور خالہ سے تو ویسے پردہ ہوتا ہی نہیں وہ تو ماں کے درجے میں ہے اسے رات پر وہیں گزاری اس نے اور نیت کیا تھی کہ میں دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کب اٹھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے میں بھی کھڑا ہو گیا اس روایت میں تو اختصار ہے دوسری روایت میں ہے کہ آپ اٹھے آپ نے وضو فرمایا پھر نماز کی نیت باندھ لی میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا مجھے بھی دل میں شوق آ گیا میں بھی کھڑا ہو گیا میں بھی وضو کر کے آ گیا وضو کر کے میں آ گیا تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا کدھر کو یعنی آپ تو نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے نیت باندھ لی تو آپ نے محسوس کیا اس نے بھی تو نیت باندھ لی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے سے ہاتھ لائے اور اس کو پکڑ لیا یوں کر کے دائیں طرف کھڑا کیا ایسے پکڑ لیا دائیں طرف اس کو کیا کر لیا کھڑا کر لیا تو اب یہ تو ہے واقعہ فقہائی کرام تو مسائل نکالیں گے تو آٹھ مسئلے نکالیں اس سے کتنے آٹھ مسئلے نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نفل میں جماعت بھی ہو سکتی ہے نفل میں ہاں وہ نہ ہو بلاوا نہ ہو اذان نہ ہو اقامت نہ ہو ترغیب نہ ہو اتفاقاً دو ایک آدمی آگے تین آدمی تک تو گنجائش ہے چلو پڑھ لو ورنہ تو تہجد کیا ہے اکیلے اکیلے ہے وہ انفرادی نماز ہے تو چونکہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے پھر دوسری بات ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے آپ کے اوپر تہجد فرض تہجد کی نماز فرض تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم پر فرض تو ایک اور مسئلہ نکالا ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے ہم نے اس کے پیچھے نفل کی نیت مار دی ہو جائے گا اس کو فرض پڑھنے والے کو مفترض کیا
नफल पढ़ने वाले को मुतनफिल कहते हैं। तो मुफ्तरिस के पीछे मुतनफिल की जायज नमाज जायज है, लेकिन अगर कोई नफल पढ़ रहा हो आप पीछे से नमाज की नियत बांधे अपनी फर्ज की, वो नहीं होगा, इसलिए कि फर्ज का दर्जा बढ़ा हुआ है नफल के दर्जे से। एक मसला ये भी मालूम हुआ, जब मुक्तदी एक हो क्या तो इमाम बाईं तरफ रहे और मुक्तदी दाईं तरफ रहे, बिल्कुल करीब मिले हुए। अलबत्त इतनी बात जरूर है कि उसकी एड़ी, मुक्तदी की एड़ी इमाम की एड़ी से पीछे होनी चाहिए। पंजों का मसला नहीं क्या? नहीं नहीं, पंजों से कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि मुमकिन है पंजे लंबे भी हों, लंबा पाँव है मुक्तदी का, किसका? मुक्तदी का, तो आगे निकल जाएगा। तो इसलिए एड़ी, ये अगर यहाँ एड़ी है ये तो ऐसे पर इतना, ताकि इमाम आगे रहे। और एक मसला और इससे मालूम हुआ कि अगर इमाम के साथ एक ही है और वो नाबालिग है, क्या है? चाहे वो फर्ज नमाज पढ़ रहा हो या नफल नमाज पढ़ रहा हो तो जमात हो जाएगी, जमात हो जाएगी। इससे एक मसला और भी उन्होंने निकाला कि जब इमाम के साथ एक ऐसे बैठेगा, एक मुक्तदी इमाम के साथ बैठा ऐसा नाबालिग, तो जब इमाम के साथ ऐसे बैठेगा तो सफ में भी तो रहेगा ना, इसलिए सफ के दरमियान में भी हम नाबालिग को रख सकते हैं। इधर एक को रखा, उधर एक को रखा, उधर एक को रखा, एक साथ उनकी सब पीछे बनाएंगे। अगर मालूम है ये शरारत करेंगे नमाज में, किस में, कोहनी से मारेंगे, क्या क्या करें? अब तो बड़े भी आपस में मजाक कर रहे हैं नमाज में, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तवज्जो ही नहीं कि ये नमाज पढ़ रहा है, एक दूसरे को पाँव भी खींचते हैं नमाज में, तवज्जो नहीं होती है। तो अगर मालूम है कि बच्चे शरारत करेंगे नमाज में और शोर मचाएंगे, एक दूसरे को कोहनी मारेंगे और क्या क्या करेंगे, और हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे, इसलिए कि उनकी सब अलग ना बनाई जाए, बल्कि दो आदमी के दरमियान में एक को यहाँ रख दिया, एक को वहाँ रख दिया, एक को वहाँ रख दिया, एक को वहाँ रख दिया, ताकि वो इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ लें। खुलासा यह है कि नाबालिग को अगर हम सब के दरमियान में रखेंगे, इससे नमाज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी तरह से अगर सब पूरी हो चुकी है, क्या सब मुकम्मल है यहां से लेकर वहां तक, अब इमाम के साथ एक शख्स है उसकी जगह ही नहीं है, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, उस वक्त वो इमाम के साथ रह सकता है। वो अगली रिवायत आएगी, लंबी रिवायत, इमाम के साथ वो रह सकता है। किसके साथ? पूरी मस्जिद भरी हुई है, उसके लिए जगह नहीं, उसके लिए तो कहाँ जाएगा जी। ये मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे साथ ये वाक्य बहुत मरतब पेश आया। मैं पहले जुमा नमाज पढ़ता था यहाँ हज़रत मौलाना अमीन साहब रहमतुल्लाह की मस्जिद में, और चूंकि मैं उनके साथ ही रहता था, उनका खादिम था मैं, उनका जूता उठाता था वगैरह ये सब, तो मस्जिद तो पहले भरी रहती थी। अब हम उसको लाल साहब कहते थे, जब लाल साहब अलैहि रहमत तशरीफ लाते तो मैं उनके साथ था। अब बैठे बयान के लिए, बयान सुन लिया, अब जमात खड़ी होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए कि सफ़ें तो पूरी भरी हुई है। तो लाल साहब मुझे अपने मुसल्ला पर खड़ा करके ऐसे रखते थे, इसलिए कोई उनको एतराज़ भी नहीं कर सकता था। तो मैं जुमा की नमाज उसी मसल्ले में पढ़ता था जिसमें लाल साहब पढ़ाते थे, जरा सा ऐसे में रहता था, इसलिए मुझे जगह की कोई परेशानी फिर नहीं होती थी। तो यह है कि अगर सफ़ें भर गई है और एक ही मुक्तदी तो कहाँ जाएगा हो, यदि अगर एक शख्स रह गया, अब बच गया है तो जगह कहीं नहीं है, तो उसके बगल में खड़ा हो जाए। वो एक रिवायत आगे आएगी, लंबी रिवायत। वन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت। शौक भी क्या था साहब इकराम को, देखिए एक रिवायत और आती है आ रही है। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के नबी ससम नमाज पढ़ रहे थे तो मैं पहुंच गया, फरमाते हत्ता कुमता यसारी, मैं बाईं तरफ खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। तो आपने क्या किया, आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे से ऐसे घुमा के ले गए, इधर को लाए दाएं तरफ, सामने से क्यों नहीं लाए, हालांकि तो आसान था ना ज्यादा, ऐसे पकड़ के तो नमाज ही फासिद हो जाती उसकी। इससे मालूम कि इमाम के सामने से मुक्तदी नहीं निकलेगा, इमाम तो आगे रहेगा, मुक्तदी तो पीछे से उसको लाए। और ये भी मसला इसमें से निकला कि नमाज में बवक्त जरूरत एक हाथ से, जिसको अमल कलील कहते हैं, इसकी इजाजत है, इसकी टोपी गिर गई एक हाथ से उठा लो, आपका फोन आ गया नमाज में, आपने एक हाथ जो है जेब में डाल के उसका स्विच आपने ऑफ कर लिया, इसकी इजाजत है। लेकिन आप दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल निकाल के फिर देख रहे हैं कि कौन साहब हैं, और बटन दबा के बंद कर रहे हैं तो नमाज फासिद हो जाएगी।
तो आपने ऐसे एक दस्ती मुबारक से उनको पकड़ के कहाँ खड़ा किया, अपनी दाईं तरफ को खड़ा कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि आपने मुझे दाईं तरफ खड़ा कर दिया। अभी हम नमाजी पढ़ रहे थे तो जवान पहुंच गया, उसके नाम था जब्बार, क्या जब्बार इब्न सख, तो वो खड़ा हो गया अल्लाह के नबी की बाईं तरफ। पहले तो मैं बाईं तरफ खड़ा हुआ था और आपने मुझे घुमा के दाईं तरफ लाया कि आप तो एक ही मुक्तदी है, लेकिन उसके बाद जब्बार इब्न सख आ गए तो आप देखा दो हैं, तो आपने इशारा कर दिया, मुझे भी पीछे धकेल दिया ऐसे इशारा करके, और जब्बार को भी पीछे इशारा कर दिए, कोई अब ये दो हो गए कितने। तो जब दो मुक्तदी हों वो इमाम के दाएं बाएं नहीं रहेंगे बल्कि इमाम के पीछे रहेंगे कि अब तो ये दो आ गए, पहले तो एक ही था। हम सवाल है कि इस मौके पर इमाम को आगे बढ़ना चाहिए या ये मुक्तदियों को पीछे हटना चाहिए। असल तो यही है कि इमाम आगे बढ़े, इमाम इमाम को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इमाम को आगे बढ़ने की जगह ही नहीं, उन्होंने नमाज शुरू कर दी थी यहाँ दीवार के पास और आप तो नफल पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफल पढ़ रहे थे, वो तो इत्तिफाकन आ गए, इसी जगह आगे जगह नहीं है तो क्या करें, पीछे की तरफ इशारा करके उनको पीछे कर दिया जाए जब आगे बढ़ने की जगह ना हो। तो इसे ये भी मसला मालूम हुआ कि जब अकेला हो तो इमाम के बराबर में रहे, जब दो हो तो इमाम के पीछे रहे, ये नहीं कि एक दाएं तरफ बैठा एक बाएं तरफ बैठा। अब सवाल यह है कि अगर नाबालिग हो और दो हो तो उनको भी कहां खड़ा करें, पीछे खड़ा करें। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सल्लई तो अना व यतीम खल्फन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व उम्मी सुलेम खल्फना। हम फरमाते हैं रवाहु मुस्लिम, फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली अल्लाह के नबी सल्लम के पीछे और यतीम ने, किसने, यतीम उनका भाई था, तो और हमारी वालिदा ने, और हमारी कहते हैं कि हम हजूर पास उनके पीछे थे और हमारे पीछे हमारी वालिदा थी। सवाल ये कौन सी नमाज थी, असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं तशरीफ ले जाते किसी घर में जरूर नमाज पढ़ते थे जरूर, और सहाबा किराम खुश होते थे हमारे घर में हजूर पास ने नमाज पढ़ ली है, उसकी बरकत के लिए उसको कभी कोई अर्ज कर रहा हजरत आप हमारे घर तशरीफ लाएं नमाज पढ़ लें वहां, ताकि मैं उसी जगह को मस्जिद बना लूं, यानी मैं अपने नफल वगैरह वहीं पढ़ लूं। और ख्वातीन भी चाहती थी किसी एक कोने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लें, फिर हम उसी जगह पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो फरमाते हैं कि हमारे घर तशरीफ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने नमाज शुरू कर दी, तो हमने भी अल्लाह अकबर कर लिया, तो हमारी वालिदा उम्मे सुलेम आई वो पीछे बैठी। तो मालूम यह हुआ कि अगर ख्वातीन भी हों तो मर्द होंगे पहले, उसके बाद बच्चे होंगे, उसके बाद ख्वातीन, और चूंकि अकेली थी इसलिए इसकी नमाज हो गई, इसकी नमाज मालूम यह हुआ कि अकेला भी अगर कोई सब में पीछे नमाज पढ़ लेगा तो उसकी नमाज हो जाती है। अल्लाहुम्मा।